आज का दिन शामली के केराना में रहने वाले अजीम मंसूरी के लिए काफी अहम रहा। आज उनका सालों पुराना सपना पूरा हो गया। आखिरकार अजीम को अपनी सपनों की रानी मिल ही गई। अजीम का निकाह हापुड़ की रहने वाली बुशरा से हो गया। बुशरा की हाइट भी अजीम के लगभग ही है। नाचते गाते हुए अजीम बारात लेकर शामली से निकले थे। बारात लेकर जब निकले तो अजीम खुश नजर आए। आपने थाने में गुहार लगाई थी अपनी शादी की? अजीम अपने पिता की गोद में बैठकर शामली पहुँचे। कार में बैठते समय वो बार बार अपना चेहरा सही करते रहे। निकाह के बाद अजीम ने कहा, आज का दिन मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है, मेरा निकाह हो चुका है। इस शादी को लेकर दोनों परिवार बहुत खुश हैं। निकाह होने के बाद परिवार के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। दिन निकाह हुआ मेरा बहुत गुरु दिल से मुझे कहेगा मेरे घर में भी दुल्हन आ ले। दरअसल शामली के कैराना में रहने वाले हाजी नसीम मंसूरी के सबसे बड़े बेटे अजीम को एक सपनों की रानी की तलाश थी और कई साल पहले वो काफी चर्चाओं में भी आए थे। अजीम लगातार अपने रिश्ते के लिए गुहार भी लगा रहे थे। ऐसे में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक उन्होंने मिलकर गुहार लगाई, मगर इसके बाद भी उसे अपने सपनों की रानी की तलाश पूरी ना हो सकी, जिसके बाद अजीम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर चमकर वायरल हुई। वो काफी सुर्खियों में आ गए। अजीम मंसूरी 2019 में उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने अपनी शादी के लिए थाने में गुहार लगाई थी। 2021 में भी अजीम मंसूरी शामली के महिला थाना और कैराना थाने में शादी के लिए कई चक्कर लगाए। इस बीच उनकी हाइट और शादी करने की इच्छा ने उन्हें सोशल मीडिया स्टार बना दिया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.